अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। और आज जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है और जो इलाके हैं उनमें खासी ठंड पड़ रही है, साथ साथ हम जो अच्छी बात करते हैं वो आज की अच्छी बात यह है कि जनाब, जब इंसान किसी माशरे में अमन सुकून चाहता है, चैन चाहता है और इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीक़ा है वो है सच। जब किसी माशरे में झूठ पनपने लगता है, जब किसी शख्सियत के अंदर या किसी के किरदार के अंदर झूठ पनपता है, तो फिर उसके अंदर जो है उसकी ज़ात की तकमील वो नहीं होती, उसकी ज़ात ना मुकम्मल रहती है। क्योंकि आपको पता है ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ आपको बोलने पड़ते हैं, और अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि झूठ बोला जाए। मसलहतन भी झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है, और दानिस्ता तौर पर झूठ बोलना तो किसी भी तौर पर उसकी माफ़ी नहीं है। तो सच बोलना चाहिए और सच के सहारा लेते हुए हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसको गुजारना चाहिए, क्योंकि ईमान और इस्लाम की जो तकमील है वो भी सच ही की बुनियाद पर होती है। और जो भी सच को अपनाता है वो उससे फैज़याब होता है, उसकी ज़िंदगी में चैन रहता है, सुकून रहता है, अमन रहता है और तसल्ली रहती है। तो आप भी सच को अपनाइए और अपना कर देखिए एक दफ़ा, तो आप देखेंगे कि आप कितने पुरसकून रहेंगे। साथ साथ जो लोग सच बोलते हैं ना, उनकी माशरे में इज्जत भी कुछ और ही होती है, क्योंकि सच बोलने वाले का सर कभी झुकता नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपना सर हमेशा बुलंद रखे और आपका इज्जत वक़ार जो है वो हमेशा ऊँचा रहे, तो सच बोलें, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत से नवाजेगा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं कुछ। अब के मौसम किस तरह का है, हम ये देख रहे हैं कि लाहौर में तो कल से बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहा, और सुबह में भी मौसम खासा खुशगवार है। तो आज के दर्जे हरारत पर नज़र डालते हैं। लाहौर में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश का सिलसिला जारी है, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में भी खासी सर्दी पड़ रही है और पारा काफ़ी नीचे आ चुका है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद शहर कराची का रुख करते हैं, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर अब तक के हिसाब से उसमें खासी ठंड पड़ रही है, अगर पेशावर का रुख करें तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि वहां पर आज सूरज निकलने का इम्कान है और लेकिन ठंड जो है वो खासी बरकरार रहेगी। इसके बाद कोयटा का रुख करते हैं, कोयटा में खूब सर्दी पड़ रही है, यखबस्ता हवाओं का राज है, और कोयटा पर नज़र डालें तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा पहुंच चुका है और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर आज हो सकता है वो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। खूब ठंड पड़ रही है, बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और जब बारिश हो जाएगी तो मज़ीद ठंड में इजाफा भी हो सकता है। कोयटा के बाद रुख करेंगे हसीन वादियों का, आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर आज कम से कम दर्जा हरारत कितना होगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 से 3 दिन तक अभी यही जो हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं वही रहेगा बरकरार, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फबारी हो रही है वहाँ पर, और सैयाह जो जाएँ वो अपना भरपूर ख्याल रखें और अपने आप को कवर करें। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, शहर कराची का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ एक 19 साल माहीन बलोच मौजूद हैं। उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने 4-5 साल पहले अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया, और वे करती ये हैं कि
जो जराइम पेशा या जो मंशियात में मुब्तला बच्चे हैं या जो कचरा चुनते हुए बच्चे हैं जिन्हें तालीम मैसर नहीं है, ये उन्हें तालीम देती हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने का अज़्म किया है और माहीन बलोच ने यह आगाज़ किया बच्चों को पढ़ाने का अपने घर से, जहाँ पर ये सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चों में और लोगों में इस बात का पता चलता गया, वैसे वैसे बच्चों में की तादाद में भी इजाफा होता चला गया। अब वो एक लियारी में ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से उन्होंने जगह ली है, उसके बाद वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो बाकायदा गुफ्तगू करेंगे, माहीन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माहीन, आपसे सबसे पहले तो यही सवाल करना चाहूँगी कि आप बच्चों को तालीम देती हैं, आप इतने सारे बच्चों को माशाल्लाह पढ़ाती हैं, आप ख़ुद क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कर रही हूँ और आईआर फील्ड में, पहले तो मास कॉम करने का इरादा था लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है, जो इंटरनेशनल रिलेशन वही फील्ड पढ़ रही हूँ और आगे भी इरादा है कि मैं उसी फील्ड में पीएचडी तक करूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया माहीन के जब आप पढ़ रही हैं तो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ना भी कोई इतना आसान नहीं है, तो आपको कैसे आइडिया आया कि मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं और फिर आपने किस तरह इसका इनिशिएटिव लिया? जब आप किसी एरिया में आप रह रहे हैं तो आपको वो चीज़ें मुयस्सर, जैसे मुझे भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूं तो मेरे अब्बू मुझे बहुत, मतलब उतनी मुश्किल से, वो हम चारों बहन भाइयों को पढ़ाते थे, तो अक्सर हमारे एरिया में ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर ऐसे बच्चे थे कि स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से, और ये काम रिसेंटली मेरे बाबा भी करते थे पहले जब हम छोटे थे और शादी से पहले भी, तो ये शौक़ मुझ में भी आने लगा, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स आगे जाके लोगों तक नहीं बताएंगे तो कोई बाहर से मेरे ख्याल से नहीं आता। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे स्टार्ट किया। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन बस फैमिली की सपोर्ट के साथ मैं ऐसे पढ़ती थी, उन्हें अवेयरनेस देना, क्योंकि उनमें ऐसे बच्चे थे जो 3 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते थे, उनको लेकर आना, उनको उनके साथ बैठना, खेलना, उन्हें अवेयर करना कि स्कूल भी जाना है। तो ऐसे करके अब माशाल्लाह से अब हम शिफ्ट हो गए एक जगह पे, तो काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, सीनियर बैच है, पहले तो नहीं आती थी लेकिन अब मुझे एज अ रोल मॉडल देख के वो आती भी हैं और कहती हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। ज़बरदस्त। तो माहीन, जैसे कि आपने बताया कि आप जब आपने इनिशिएटिव लिया तो आप बहुत छोटी थी, कितने साल हो गए आपको बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको ट्रेन करते हुए, और फिर फैमिली में किस किस ने, क्योंकि आपने अपने फादर का जिक्र किया, तो और कौन कौन, क्या आपके साथ वो टीचिंग भी करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, या किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं? 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, अब इस साल 2020 में हमारा 5वां साल कंप्लीट है, तो इसमें मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत साथ थे, बड़ी सिस्टर वॉलंटियर काम करती थी, वो साथ थी, कुछ जैसे मेरे सीनियर स्टूडेंट है अब, पहले तो हम खुद ही चलाते थे लेकिन अब जिन बच्चों को मैंने तैयार किया है तो हमारे पास गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास कोई फंड सिस्टम नहीं है। मैं जिनको तालीम देती हूँ तो हमारे पास ये नहीं कि फोर्स है, लेकिन हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीकली 2 या 3 दिन हमारे साथ वॉलंटियर काम करें, क्योंकि हम कोई फीस नहीं लेते, हम उन्हें अच्छे से अच्छे एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा सेटअप है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि बच्चे अवेयर हो रहे हैं कि स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। मतलब अब तक कराची में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने सारे बच्चों को वहाँ पे विज़िट कराया ताकि उनमें वो जज्बा आए, और लोगों को मैं मिलाती हूँ उनसे सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि पहले तो लोग कहते थे कि लियारी नहीं आते थे, मतलब बहुत गॉसिप चलती थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को टारगेट किया, वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर की, वहाँ पे वीडियोस शेयर किए, तो उस तरह मैंने लोगों को कन्विंस किया कि आप आएं हमारे पास विजिट करें, क्योंकि जब तक हम क्योंकि अगर हम लियारी की बात करते हैं तो सबसे पहला परसेप्शन यही जाता है कि जनाब वहाँ तो बंदा पर ही नहीं मार सकता, और बहुत ज़्यादा बीच में हालात भी बहुत ख़राब रहे, बड़ा इंसर्जेंट माहौल रहा है, लोगों को आना जाना दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, इवन के ख़वातीन का घरों से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल तसव्वुर किया जाता था। हम खुद लियारी गए हैं, बारहा विज़िट किया है हमने, और हालात ख़राब में भी गए हैं, हालात अच्छे रहे तब भी गए, लेकिन
बड़े बड़े पुरअम लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बहुत कुछ करना जानते हैं। इस हालात में भी अगर वो निकल कर कुछ करते हैं तो यकीनन उनमें वो जज्बा है। माहीन, आप यकीनन रोल मॉडल हैं, आपको चैलेंजेस क्या है? क्योंकि आपने बताया ना, एक कमरे से, आपने एक छोटे से अपने घर के कमरे से शुरू किया जब आप चार बच्चों को पढ़ाती थी, उसके बाद फिर वो जगह कैसे ली आपने, अब ये बच्चे कहाँ तालीम हासिल करते हैं, क्या क्या आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा, लोगों ने आपको रोकने की भी कोशिश की होगी? असल में हमारे पास ये है कि कोई फंड सिस्टम नहीं है हमें, मतलब इस तरह से कि जब हमने स्टोरी अपनी शेयर की तो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मिले हमें जिन्होंने अपने अपने मतलब उससे, मतलब कोई एनजीओ नहीं है, किसी भी नहीं है, खुद आके हमें बुक्स डोनेट किए हैं, स्टेशनरीज डोनेट किए, इस तरह मतलब हम बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल में एडमिट करवाते, बेसिकली तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करवाते, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर है। और बड़ी लड़कियाँ हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ दी है उन लोगों को, उनको हम मैट्रिक करवा रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब तो हमारे पास दो तीन टीचर्स भी जो हमने उन्हें कन्वेंस किया है कि आप प्लीज़ हफ्ते में दो दिन हमारे पास वॉलंटियर काम करें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम निकलेंगे बाहर पॉजिटिविटी पे काम करेंगे तो लोग मिलते रहेंगे। मैंने कभी इंतज़ार नहीं किया कि कोई फैसिलिटीज़ हो जाए या कोई जगह मिले हमें, बस स्टार्ट करते गए काम आगे, मतलब इस तरह कहते हैं ना कि पानी को रास्ता मिल जाता है, तो मैंने भी इसी तरह से किया। और ये जो जगह आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे कम्युनिटी हॉल है। पहले तो ये बहुत बंद रहता था, मतलब यहाँ पे कोई लोग नहीं बैठते थे, नीचे तो फुटबॉल क्लब है लेकिन ऊपर यूज ही नहीं होता था। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि आप क्यों ना इस जगह के लिए बात करें, क्योंकि बच्चे भी हमारे कम्युनिटी के हैं। अब तो माशाल्लाह से बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, तो माहीन उन्हें भी बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। लेकिन कम्युनिटी हॉल में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं आपके पास, और कौन कौन से लेवल्स के हैं, क्या सिर्फ छोटे बच्चे हैं या फिर, और फिर उनको कैटेगराइज किस तरह से करती हैं, किस तरह से पढ़ाती हैं सबको एक साथ? अभी तो हमारे पास जूनियर्स बेंच में 150 बच्चे हैं। जो सीनियर की अगर हम बात करें तो सीनियर वो 6 बजे के बाद स्टार्ट होती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें मेरे साथ तीन चार वॉलंटियर्स भी हैं, अनस है, मायकान है, उमर है, यूसुफ है, समीर है, मतलब ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं हमारा। तो हम इन्हें रेडी करके बोलते हैं कि गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, भाई हम आपको जो सिखा रहे हैं आपको एज अ वॉलंटियर हमारे साथ काम करना है, और वो आते भी हैं, खुशी से आते भी हैं। मतलब जूनियर बैच में हमारे मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, मेरी मम्मा भी कभी कभी आ जाती है, बड़ी सिस्टर आ जाती है हानी, तो इस तरह से। लेकिन सीनियर बैच के लिए दो टीचर्स हमारे पास हैं, एक तो डॉक्टर है और दूसरे मास्टर कर रही हैं, तो उनसे काफ़ी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप आएँ हमारे साथ वॉलंटियर काम करें। मेरी एक छोटी सी टीम भी है जिससे जो हमारे और भी प्रोग्राम्स करवाती हूँ मैं, जैसे किसी की बुक पब्लिशिंग करवा दिया या किसी आर्टिस्ट को हमने एज एप्रिशिएशन के लिए प्रोग्राम दे दिया, या कोई टैलेंटेड मतलब बच्चे हैं उन्हें हम प्लेटफॉर्म देते हैं, और बच्चों के लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़। मतलब हमारे पास इतने कम वसाइल में हम इतना अच्छा सा काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास और अच्छे वसाइल होते तो मैं ये समझती हूँ कि हम और भी स्पीडली काम करते, क्योंकि ये सिर्फ लियारी का मसला बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल सोर्सेस अंडर है, ये किस तरह से आप पूरे करती हैं, क्योंकि आप यकीनन आप कह रही हैं वसाइल नहीं है, कम्युनिटी हॉल अभी आपको मिल चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा, नॉट इवन पेन पेपर और बुक, तो किस तरह से इनके जो है आप अखराजात फिर पूरे करती हैं? पहले तो ऐसा होता था कि मैं कुछ मुझे पॉकेट मनी मिल जाती थी, बाबा लेकर आते थे संडे मार्केट से, बुक्स लेकर आते थे, बड़ी सिस्टर लेकर आती थी। लेकिन जब मैंने अपनी स्टोरी, क्योंकि जब मैंने फेसबुक यूज़ करना सीखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सही यूज़ किया जाए, तो मैंने वहाँ पर अपनी स्कूल की पेज बनाई, तो वहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ लोग ऐसे थे कराची से थे, लाहौर से थे, रावलपिंडी से भी थे, इस्लामाबाद से, मतलब वो हमसे कनेक्ट हुए, वो अपने मतलब कोई एनजीओ से नहीं थे, वो अपने सेल्फ अपनी खुशी के लिए विजिट करते थे, कोई स्टेशनरी देता था, कोई बुक्स, और अगर हम कोई प्रोग्राम्स रखते थे उससे पहले हम फेसबुक पे एक वीडियो बना के दे देते थे कि अगर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप लोग हमें डोनेशन दे दो, या हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है आप ये चीज़ें हमें दे दो। तो इस तरह से कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया, कुछ ट्रेनर्स जो कि बहुत फीस भी लेते थे, जो स्कूलों में लेते थे, लेकिन वो मिस्ताक फाउंडेशन में आके फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ट्रेनिंग दी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब
तक आप रुकेंगे नहीं, आप काम कंटिन्यूअसली करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों को लेकर आना इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। अच्छा, और ये जो उम्मीद भी मैं बच्चे आ रहे हैं, ये आपने बताया कि हर उम्र के बच्चे आपके पास अब तक पढ़ रहे हैं, तो ये इन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये सारे बच्चे वो हैं जो कि चाइल्ड लेबर किया करते थे, या फिर इनके वालदैन इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे? घरों से भी बच्चे आते हैं, किस नौयत के बच्चे आपके पास अब इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं? ये जो एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, अंडर प्रिविलेज एरिया, मतलब वहाँ पे कुछ बच्चे तो चाइल्ड लेबर भी थे, कुछ ऐसे भी थे, जाहिर सी बात है जब एक माँ बाप दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं तो वो तवज्जो ही नहीं दे सकता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे ही बस पढ़ते नहीं थे, गलियों में घूमना खेलना, मतलब अवेयरनेस की बहुत कमी थी। ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे चाइल्ड लेबर थे, मतलब उनमें से कुछ बच्चे थे और कुछ लड़कियां, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल, बिकॉज फीसिस इतनी ज़्यादा होती है, अगर वो नहीं पढ़ पाते थे और निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब मुझे देख के वो मेरी फैमिली भी उनके साथ, उनके पेरेंट्स से बात करना, तो वो अब आ रही है क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया है। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें कोई अवॉइड करने वाला कोई नहीं था, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, वो नहीं समझती थी कि पढ़ना इतना ज़रूरी है। जब तक आप निकलोगे आपके एरिया में, क्योंकि मैंने खुद देखे, मैं जब स्कूल जाती थी उस वक्त की बातें, 5-6 साल पहले की बातें, तो मैं खुद देखती कि गलियों में बच्चे खेल रहे होते थे, कुछ बच्चे पता नहीं मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहे होते, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि पढ़ना भी है, चाइल्ड लेबर था। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि भाई क्यों ऐसा है, मतलब पूरे एरिया में जब 3-4 घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरे बाबा अक्सर मुझे कहते थे कि माइन तुम जो पढ़ रही हो उसे शेयर करो, पहले तो मुझे नामुमकिन लगता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम ये इनिशिएटिव हर एरिया में लें, क्योंकि ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही मसला है। मैं कराची विज़िट किया है, मैंने लाहौर में विज़िट कर चुकी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, मतलब सिंध में भी मैं काफ़ी जगहों पर विज़िट कर चुकी हूँ, वहाँ पर भी हमें ऐसे एरिया मिलते हैं, ऐसे इवन स्कूल है, लेकिन वहाँ पे बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो स्कूल जाएं और अपने मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। क्योंकि आप खुद भी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रही हैं, तो आप अपनी स्टडीज कैसे मैनेज करती हैं? आपका भी यकीनन आप अपने इंस्टीट्यूट भी जाती होंगी पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर इन बच्चों को भी पढ़ाना, और उसके बाद आप कह रही हैं कि अब हमने सीनियर लेवल पर भी तालीम देना शुरू कर दी है 6 बजे के बाद, तो इन सारे टाइमिंग और अपना स्केड्यूल आप कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो बहुत मुश्किल होता था, मतलब मैंने बहुत टफ टाइम स्पेंड किया है, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि मैं बहुत रो पड़ती थी, नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब 5 साल हो गए, अब ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन हो गई मेरी, मतलब वो बच्चे इतने मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और मैं जानती भी हूँ कि अगर अब ये काम अगर बंद हो जाए तो जो आगे के हमारे जो बच्चे हैं तो वो मिसगाइड हो सकते हैं। तो अब मैंने ऐसा मैनेज कर दिया है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत ही बिजी रहती हूँ, समटाइम रात को भी बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन बस इनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मतलब ऐसा होता है उनकी एक मुस्कुराहट, अगर आप आके विजिट भी करेंगे ना तो आपको बहुत सेटिस्फाई फील होगा कि ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल बेहतरी के लिए हो रहा है, और मैं ये समझती हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए। और सबसे ये बड़ी मोटिवेशन मिली मेरे डैड हैं, मतलब वो इतना काम करते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ, कभी रात को भी वो अगर हमारे साथ आके डिस्कशन के लिए टाइम दे पाते थे। और दूसरी बात, मैं जितने चैंपियंस हैं हमारे, जितने लेजेंड हैं, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ती हूँ, असल में वो इतना टफ टाइम गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं गुजार सकते, मतलब हमें भी करना चाहिए। अगर उनका प्रोफेशन क्या है? मेरे अब्बू को टेलीफोन जी, वो को टेलीफोन ऑपरेटर है सिविल हॉस्पिटल में, और बुक पब्लिशिंग का काम भी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा माहीन, स्कूल में आपके बच्चों को तालीम देने के साथ साथ क्या कुछ मज़ीद स्किल्स और हुनर भी सिखाए जाते हैं, या सिर्फ अभी आप जो कोर्स है उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो हमारे पास पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक बच्चे खुद इन्वेंशन नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बचपन से मैंने खुद फेस किया है कि स्कूलों में रट्टाफिकेशन, मतलब मैं खुद मार खाती थी अगर मैं सवाल पूछती थी, इतना मतलब टफ टाइम मैंने गुजारा। तो मैं चाहती थी कि पढ़ाई का निज़ाम बिल्कुल चेंज हो। मैं खुद आर्टिस्ट भी हूँ, मैं थिएटर लिखती हूँ, लाइव ड्रामे करते हैं हम लोग, पेंटिंग पर काम करते हैं, आर्ट्स पर काम करते हैं हम, रिसाइकिलिंग पर काम करते हैं,
रिसेंटली मैंने एक कैंप भी लगाया था, जो जुलाई में हमने समर कैंप लगाया था, उसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी थी, अवेयरनेस सेशन दिया था और प्लांटेशन करवाई हमने थिएटर के, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ हम करवाते रहते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक बच्चों को रिसर्च वर्क नहीं सिखाया जाता तो असली देखो रियल एजुकेशन इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड आप क्या इन्वेंट कर रहे हो, सिस्टम को नहीं कि आप रेटिफिकेशन की कोशिश भी कर रहे हैं। माइंड वेरी क्विकली, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत से क्विकली? बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अब आए हम सब मिलके इस जो मैंने एक छोटे से इनिशिएटिव जो मिस्ताक के नाम से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप सब मिलके इसको हम बड़े लेवल पे इनिशिएट ले ताकि ये हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो। और दूसरी बात जो हमारा इनिशिएटिव तो जो कम्युनिटी हॉल में हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया माहिन, मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन मिली। जो लोग माहिन का साथ देना चाहते हैं, इनका फेसबुक पर भी पेज मौजूद है, यकीनन ये तालीम को आगे बढ़ा रही है और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू बढ़ा रही है, तो आप इनका साथ भी दे सकते हैं और यही है कि आगे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान।